हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहेंगे और ये आपका लास्ट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी की प्रैक्टिस सेट का, जिसमें 60 प्रश्न हम लोग बात किए थे कंप्लीट होने का, तो आज 60 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे इवनिंग में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, ठीक, इस पूरे 60 क्वेश्चन का। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न जो काफ़ी लोगों द्वारा कमेंट किए गए कि इसका ये आंसर होना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने कमेंट में बताया। और कोई भी प्रश्न आपको लगे कि हाँ इसका अर्थ ये या इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी आंसर डिस्क्रिप्शन तो मैं देता हूँ कि आपको अगर कहीं भी लगता है कि नहीं ये चीज़ें आपने कहीं और पढ़ा है इस तरह से, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, उसको हम प्रॉपर डिटेल में फिर देखते हैं। और डिटेल में देखने के बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको उसका सही आंसर या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ये हमने देखा था। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें बी भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि फिलीपींस में जो चक्रवात है उसका नाम बैजियो है, ठीक, जो फिलीपींस में चक्रवात होता है उसका नाम बैजियो है, बैजियो होता है, और टाइफून या टाइफू इसे हम लोग चीन सागर में कहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है। और इनकी उत्पत्ति 8 डिग्री उत्तर तथा 8 डिग्री दक्षिण में होती है। यहाँ पर देखिए इस बात से ये भी स्पष्ट नहीं होता कि 8 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में या इसके बाहर, अगर बाहर यहाँ से ये देता कि इनकी उत्पत्ति 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री या 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिण, तो इस तरह से ये इसके बाद होती है, तो ये राइट होता, क्योंकि लगभग ये जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है 5 डिग्री यानी डोलड्रम में कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या होगा, डोलड्रम हो गया, राइट, तो डोलड्रम में कोई चक्रवात नहीं आएगा। अब जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जनरेट होता है ये आपका 5 डिग्री से लेके कहीं कहीं आपको 15 डिग्री मिलेगा यानी 15 डिग्री, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में आपको 20 डिग्री मिलेगा, ठीक, लेकिन क्या ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये सागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर ये जो राइट ये भी जो आपका रॉन्ग होगा, ठीक, तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न लेते हैं। आगे हम आपको चक्रवात का पूरा क्लासिफिकेशन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए वायुमंडल के कौन से भाग को संवहन क्षेत्र कहा जाता है, आयनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, ठीक, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें यह ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे प्रश्न पूछता है कि ये इंग्लिश में ही दे देता है, डायरेक्ट वहाँ पे लिख देगा स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, तो यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो का मतलब समताप मंडल, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे जो संवहन क्षेत्र है वो आपका ट्रोपोस्फीयर में उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है 50, देखिए मौसम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन एक दिया है कूट कि मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं, ठीक, दूसरा है मेघाच्छित रातें अपेक्षाकृत, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ ठंडी की जगह आप क्या कर लीजिए गर्म बना लीजिए कि मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, मेघाच्छादित दिन अपेक्षाकृत ठंडे नहीं, बल्कि यहाँ भी ठंडे की जगह भी आप गर्म कर लीजिए, ठीक, तो मेघाच्छादित दिन भी अपेक्षाकृत गर्म होते हैं जो नॉर्मल दिन होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये भी राइट है, ये भी राइट है, रातें ठंडी नहीं बल्कि गर्म होती हैं, क्योंकि जब यहाँ से दीर्घ पार्थिव विकिरण रात में छोड़े जाते हैं धरातल से, तो ये आपका यहाँ पर बादल अवशोषित कर लेता है, रोक देता है और इसे रिफ्लेक्ट कर देता है इधर, तो ऊष्मा यहाँ पर बनी रहती है, ठीक, तो इसमें सही आंसर यहाँ पे 2-3 हो जाएगा। और निम्न में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता सबसे ज़्यादा,
ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो वार्षिक तापांतर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी, मंगलोर, पणजी और मुंबई। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो तापांतर, वार्षिक तापांतर की बात किया जा रहा है, तो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, किस स्थान पर सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाएगा, अम्बाला, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है आपका, यानी कि कहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर 52वां का क्या हो जाएगा, जोधपुर। ठीक, तो ये हमने आपको बताया भी था कि डिटेल में। तो यहाँ पे जो आपका दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएगा, जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस दशा में पृथ्वी धरातल पर, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न, आप पृथ्वी के धरातल पर तापमान विलोमता उत्पन्न नहीं होती किस वजह से, नीला आकाश, अगर नीला आकाश रहेगा तो धरातल पर तापमान विलोमता देखी जाएगी यानी उत्पन्न नहीं होगी, तो नीलाकाश से होगी। ध्यान रखिएगा धरातल के निकट की बात कर रहा है आपका वायुमंडल में जाने के बजाय, आप धरातल के निकट की स्थिति ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आप ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसमें ये वाला नहीं ये वाला होगा। ठीक, तो शांत वायुमंडल, ये भी यहाँ पे तापमान विलोमता उत्पन्न करेगा, मेघाच्छादित आकाश और शीत ऋतु की लंबी रातें भी इसमें तापमान विलोमता उत्पन्न करेगा। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं करेगा, तो मेघाच्छादित आकाश, क्योंकि मेघाच्छादित आकाश में ये आपका धरातल हो गया और आकाश में इतने नज़दीक तो यहाँ पे आपका गर्मी रहेगी नहीं, तो धरातल के निकट इसका संपूर्ण वो टेम्परेचर लगभग यहाँ पर पूरा बना रहता है, तो इसलिए धरातल इसमें जो है तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, मेघाच्छादित आकाश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वार्षिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, बर्खोयांस, उलानबटोर, तेहरान, मास्को। राइट आपका बर्खोयांस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्थायी पवनों के मार्ग में निम्न में से कौन सी रोधक मानी जाती है, जो अस्थायी पवने होती है, प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, वहाँ पे कौन सी रोधक मानी जाती हैं, अश्वच्छांश, मानसूनी हवाएं, हॉर्स लैटिट्यूड या जो गरजने वाला चालीसा, गरजता चालीसा या चीखता साठा, तो कौन सा यहाँ पे प्लेनेटरी विंड्स के बीच में आपका अवरोध उत्पन्न करता है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी हवाएं करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 56 पे, 56 है कि क्षैतिज तापमान वितरण पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जब आपका हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहाँ पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता, धरातल की विशेषताएँ, सागरी धाराएँ, सागरी लहरें या सागर की लवणता, तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, क्षैतिज तापमान पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सागरी लवणता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षैतिज तापमान पर लवणता से कोई मतलब नहीं होता है क्षैतिज तापमान वितरण पर। लेकिन अगर ये आपका समुद्रों के अंतर्गत भी हम लोग इसमें लेंगे, सागर के अंतर्गत भी, तो यहाँ पे सही आंसर आपका सागरीय लहरें हो जाएंगी, क्योंकि इनमें तापमान के वितरण पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ये जहाँ पे जिधर चलेंगे उधर के जो टेम्परेचर रहेगा जल का, उसको धारण करते हुए ये प्रभावित होंगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका दोनों चीज़ों को देखना होगा। ठीक, तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता, सागरीय लहरों का भी और सागर की लवणता का भी, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो क्षैतिज तापमान वितरण, अगर यहाँ पे समुद्र और स्थल दोनों को शामिल किया गया तब वहाँ पे आपका सागरी लहरें सही होगा, नहीं तो सागर की लवणता। नेक्स्ट आते हैं, क्षैतिज तापमान वितरण पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु की विशेषताएँ लगभग समान होती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं होते हैं, 57 का हम लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अकस्मात हलचल उत्पन्न होती है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः विनाशकारी होते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। पहले तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु की विशेषताएं लगभग समान होती हैं, ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं होते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अकस्मात हलचल उत्पन्न होती, ये ज़रूरी नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः विनाशकारी होते हैं, ये तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक दो और यानी ए बी और डी, तो एक दो और चार सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आया जाए, सूची एक और सूची दो को आपको मिलान करना है और इसमें ये बताना है कि कौन सा किस में आता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डी यानी टाइफून कहाँ पे आता है, चीन में हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हरिकेन, हरिकेन आपका यूएसए में आता है अटलांटिक के तटों पे, उत्तरी अटलांटिक। ठीक, साइक्लोन कहाँ पे, साइक्लोन आपका मेडागास्कर। अब बचा क्या, ए वाला यानी बैजियू कहाँ पे, फिलीपीन यानी फिलिपाइन या फिलीपींस में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक महाद्वीपीयता निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है, साइबेरिया में, सेंट्रल एशिया में, अंटार्कटिका में या अलास्का में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, साइबेरिया में सर्वाधिक महाद्वीपीयता पाई जाती है। एक नगर का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापांतर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, नीचे दिए गए नगरों में से ऊपर दिए गए आंकड़े किस नगर से संबंधित हैं, अदन की खाड़ी, मुंबई, रियो डी जेनेरियो या सिंगापुर। ठीक, अब देखिए आपको देखना क्या है कि वर्षा कितना हो रही है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा का किन रीजन में प्राप्त होती, किस विषुवतीय सॉरी किस प्रकार की जलवायु में, तो आपका इक्वेटर के पास विषुवत रेखीय जलवायु में पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन जो है विषुवत रेखा के निकट पाया जाएगा, तो उसी के आसपास यहाँ पे इस प्रकार के जो आंकड़े दिए गए हैं, 25 सेंटीमीटर औसत तापमान, वार्षिक वर्षा 200, वार्षिक तापांतर 2 डिग्री पाया जाएगा। अदन तो आपका ये नीचे थोड़ा सा पड़ जाता, ऊपर पड़ जाता है। रियो डी जेनेरियो भी सबसे नज़दीक में आपका सिंगापुर दिखता है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 60 का डी सिंगापुर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रॉपर आप जानते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की परिभाषा देख लीजिए क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर अधिक प्रभाव रहता है इसका। इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति का कोई स्पष्ट मत नहीं है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं और ये कहां पर इसका वितरण है ये भी देख लीजिए कि ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं जब तापमान 27 से अधिक हो। ये विकास इनका केवल गर्म सागरों पर होता है, भूमध्य रेखा पर ये पाए नहीं जाते हैं। गर्मियों में इनकी उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITC के साथ होता है। ठीक, वितरण की बात करें तो 5 डिग्री अक्षांश से लेके 15 डिग्री के मध्य ये सागरों के ऊपर दोनों गोलार्धों में यहाँ पे तीव्र गति से जनरेट होते हैं, लेकिन ये आपका कर्क और मकर के आसपास तक यानी 5 से लेके 23 डिग्री के आसपास तक ये पाए जाते हैं। ठीक, और इनका वितरण देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में ये नहीं पाए जाते हैं, उत्तरी प्रशांत में, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में, उत्तरी हिंद महासागर में और दक्षिणी हिंद महासागर में ये आपका पाए जाते हैं। ठीक, ये आपका मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न हो गया, क्योंकि यहाँ से आपका पूछा जाता है। विशेषताएँ देख लीजिए क्या क्या हैं, साल के निश्चित समय में ये आते हैं, कब, सितंबर और अक्टूबर में। भ्रमण पथ इनका भिन्न भिन्न होता है, कहीं कहीं गोलाकार या इस तरह से मिल जाएगा। आकार में पर्याप्त अंतर छोटे से बड़े तक होता है। विभिन्न गति में ये आगे बढ़ते हैं, सागरों पर तीव्र गति से और केंद्र में कम वायुदाब होता है।
और सदैव गत इनका जो है, तो इसमें सदैव गतिशील ये नहीं होते हैं और अत्यंत विनाशकारी ये होते हैं। ठीक, तो ये रहा है जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में। और इस तरह से टोटल ये जो आपका 60 MCQs हमने देखा है क्लाइमेटोलॉजी का, टोटल आपको PDF कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें जो कुछ भी जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट।